महाराष्ट्र मुस्लिम अवामी कमेटी की तरफ से हमने आज एक मेमोरेंडम डिविजनल कमिश्नर को दिया गया। मुस्लिम समाज जो है हमारा ऑलरेडी पिछड़े हुआ है, सच्चर कमेटी कह रही है, सब पूरे समय तक कह रही है, मगर शासन को हम हमारे मुस्लिम अवामी कमेटी की तरफ से ये बात कहना चाह रहे हैं। मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय अल्पसंख्यक मंत्री, जो भी रिलेटेड जिसके मंत्री है, तो हम आवेदन करते हैं कि आप तो मुसलमानों के लिए एक स्वयंस्था संस्था स्थापन करें, चाहे आपकी जो नीयत है। अगर कोई बच्चा PhD कर रहा है, फर्स्ट ईयर में उसका एडमिशन हो गया है, तो उसको 31,000 रुपये महीना मिलना चाहिए जब तक उसका PhD कंप्लीट नहीं होता। जो MPhil कर रहा है उसको 21,000 रुपये मिलना चाहिए, दूसरी कौमों को मिल रहा है। स्पेशली मुस्लिम जो समाज है, प्रत्येक कमिटी से निकाल लेते कि मुस्लिम समाज इकोनॉमिकली आणि सोशली खूप बॅकवर्ड आहेत, याच्यासाठी माननीय मुख्यमंत्री साहेब तुम्हाला निवेदन आहे। महाराष्ट्र वही महाराष्ट्र मुस्लिम अवामी कमेटी की तरफ से हमने आज एक मेमोरेंडम डिविजनल कमिश्नर को दिया गया। जिस तरीके से भारतीय और सारथी की फैसिलिटीज़ SC लोगों को और मराठा समाज को मिलता, इसी तरीके से हम माइनॉरिटीज़ को, मुसलमानों को भी ये फैसिलिटीज़ होना चाहिए। ये काम एजुकेटेड लोग, एजुकेटेड संगठनाएँ जितने ये उठाना चाहिए था। आखिर में ये सोच के महाराष्ट्र मुस्लिम अवामी कमेटी ने ये कदम उठाया, और बाकी के इसका डिटेल हमारे अजहर पूरा डिटेल बताएंगे आप। जिस तरह बार्टी समाज कल्याण के लिए काम करती है, समाज कल्याण में ऑलरेडी ऑफिस है और स्टाफ है, और उसके अलावा स्वायत्त संस्था जो शासन की मान्यता सपोर्ट करती है, प्राइवेट एजेंसी नॉन प्रॉफिट, इस तरह से काम कर रही है। और जो संचालन है उनका बने बाद भी बार्टी जैसे संस्था से काम करा रही है, और सारथी जो मराठा कुनबी के लिए काम कर रही है, और हाल ही में अभी परसों मराठा के जो है तो 50 बच्चे टॉप करे हुए वो सारथी की बदौलत। तो हमारा ये कहना है कि मुस्लिम समाज जो है हमारा ऑलरेडी पिछड़े हुआ है, सच्चर कमेटी कह रही है, सब पूरे समय तक कह रही है, मगर शासन को हम हमारे मुस्लिम अवामी कमेटी की तरफ से ये बात कहना चाह रही है कि हमारे तरफ भी आप देखो। हम अल्पसंख्यक की इतने योजना राज्य शासन केंद्र शासन अमल ला रही है, पर वो योजना आम आदमी तक, स्टूडेंट तक पहुंच रहा नहीं। तो इसके लिए हम हमारे निवेदन के जरिए हम आपको, शासन को, मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय अल्पसंख्यक मंत्री, जो भी रिलेटेड जिसके मंत्री है, तो हम आवेदन करते हैं कि आप इस तरह हमारे जो निवेदन को आप सीरियसली लो, और बार्टी सारथी, महाज्योति, टार्टी और अमृत जैसे जो स्वयंसंस्थित संस्था चल रही है, तो मुसलमानों के लिए एक स्वयंस्था संस्था स्थापन करें, चाहे आपकी जो नियत है वो मुसलमान को तो प्रॉफिट पहुंचाए। और आप जो योजना बता रहे, बहुत सारे कागज़ों में हो रहे हैं, पेपरों में आ रहे हैं, मगर वो पूरी तरह से स्कीम जो है तो मुस्लिम समाज को पहुँच रहे। तो हमारा यही निवेदन है कि बाटी सारथी, माँ ज्योति, टाटी, अमृत जिस तरह से स्वयंस्था संस्था स्थापन की है राज्य शासन ने, उसी तरह मुस्लिम समुदाय के लिए, समाज की भलाई के लिए, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक उन्नति के लिए उसके बाटी के ऐसा स्वयंस्था संस्था की स्थापन करें। इस निवेदन की तफसीलात इस तरह है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मराठा समाज के लिए, हमारे दलित भाइयों के लिए और दूसरी कौमों के लिए, आदिवासी के लिए जो स्कीमात शुरू की है अपने तौर पर, उस तरह की स्कीमात पर्टिकुलरली मुस्लिम समाज के लिए भी शुरू होना चाहिए। अगर इसको मुख्तसरन बयान किया जाए तो हमारा ये कहना है कि इन स्कीमात के तहत आला तालीम हासिल करने वाले तलबा को जो सहूलियात हुकूमत की तरफ से मयसर हैं, वो मुस्लिम तलबा को भी मिलना चाहिए। जैसे अगर कोई बच्चा PhD कर रहा है, फर्स्ट ईयर में उसका एडमिशन हो गया है, तो उसको 31,000 रुपये महीना मिलना चाहिए जब तक उसका PhD कंप्लीट नहीं होता। जो MPhil कर रहा है उसको 21,000 रुपये मिलना चाहिए, दूसरी कौमों को मिल रहा है ना। जबकि महाराष्ट्र में इंडिपेंडेंट माइनॉरिटी विकास विभाग का क़याम अमल में आया है, और उसका काम ही ये है कि वो मुसलमानों की फलाह व बहबूद के लिए काम करे।
अब जैसा हमारे सदर ने कहा कि ये एजुकेशन से रिलेटेड मसला है, बहुत सारी तालीमी संगठनाएं हैं, यूनियंस है, प्रोफेसर्स की यूनियंस है, उन्होंने इस मसले को उठाना चाहिए था, लेकिन हमने जब देखा कि इस मसले को वैसा नहीं उठाया जा रहा है जैसा उठाना चाहिए, तो हमने इसके अंदर पेशकदमी की और जब तक ये स्कीम हुकूमत महाराष्ट्र लागू नहीं करती हमारी कोशिशें जारी रहेंगी। थैंक यू। आज 14 सप्टेंबर 2021 या दिवसी आज महाराष्ट्र मुस्लिम आवामी कमिटी आम्ही सगळ्यांतर्फे आज माननीय विभागीय आयुक्त साहेब यांच्याकडे एक निवेदन आणलेलं आहे। याच्यात आमचा विषय असा आहे की बार्टी सारथी असे जे संस्थे आहेत तसे एक मुस्लिम समाजासाठी एक संस्था स्थापना करावे। महाराष्ट्र शासनाची आम्हाला विनंती आहे की त्यांनी जसे आमचे इतर समाज आहेत जे बॅकवर्ड क्लासेस आहेत त्यांच्यासाठी जे स्कीम्स आणतायत ते की त्यांना डेव्हलपमेंटसाठी ते आमच्यासाठी पण मुस्लिम समाजासाठी पण इतर जे असे समाज आहेत जे मागेस्वर्गीय जे पिछडे आहेत त्यांच्यासाठी काही ना काही स्कीम आणावं लागेल। स्पेशली मुस्लिम जे समाज आहेत प्रत्येक कमिटीचे हे निकाल आहेत की मुस्लिम समाज इकॉनॉमिकली आणि सोशली खूप बॅकवर्ड आहेत। याच्यासाठी माननीय मुख्यमंत्री साहेब तुम्हाला निवेदन आहे, महाराष्ट्र मुस्लिम अवामी कमिटी यांच्यातर्फे आम्ही निवेदन करतो आहे की आमच्यासाठी पण एक इंडिपेंडेंट एक स्थापना तुम्ही करा आणि आम्हाला सोशली इकॉनॉमिकली आणि एज्युकेशनली जे बॅकवर्डनेस आहेत त्याला आम्ही पूर करू। धन्यवाद। दोस्तों मैं हूं आपका जुनेल अक्षा, लाड़का लक्षा और आप देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट चैनल। और औरंगाबाद अपडेट चैनल ने बहुत ही कम समय में 1,00,000 सब्सक्राइबर पूरे किए हुए हैं। इस चैनल को ऐसी ही पदोन्नति मिले और बढ़ती मिले और ज़रूर मिलेंगे क्योंकि रोज़ नए नए ताज़े ताज़े वीडियो लेकर और न्यूज़ लेकर आपके सामने आते हैं। इस औरंगाबाद अपडेट चैनल को मेरी ओर से बहुत 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 शुभकामनाएं। तो देखते रहिए, लाइक करो, शेयर करो और हाँ सब्सक्राइब करो।